उदयपुर में पुलिस थाने में रेप का मामला। आरोपी कांस्टेबल ने कहा कि महिला का पिता बेटी बेचने वाले गिरोह से जुड़ा, मुझे फंसाया गया। उदयपुर के पांडरा थाना क्षेत्र के डैया चौकी में कांस्टेबल द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास के मामले में एक नया मोड़ आया है। आरोपी कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने महिला के आरोप को बेबुनियाद बताया। वही महिला को बेचने को लेकर बाबूलाल खोगरिया व पूर्व सरपंच ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। हाँ जी, आपका क्या नाम है? बाबूलाल खोखरिया, पूर्व सरपंच महाज बिरादर, निवासी झेर जी। बताओ क्या हुआ सर? दिनांक 23/12/2021 को गांव झेर में पांडवा थाना से पुलिस वाले आए, लेकर गए तो गुजरात में आश्रम है वहाँ पर जितेंद्र पुलिस काला स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आया और हमारे गाँव वाले भी थे उनको लेकर प्रांतिज गए। प्रांतिज से जबरन उसकी गाड़ी में बिठा करके दया चौकी लेकर आया तो रात में इसके साथ असलियत हरकतें की। उसने उसकी माँ को बतलाई, सुबह उसने रोटियाँ बनवाई, झाड़ू पोसा करवाया, उसके कपड़े खुद के साफ करवाए। जैसे वो जितेंद्र जी जो बता रहे हैं कि हमारे पास में ठोस सबूत है, इन्होंने बच्ची को इधर उधर किया है, तो आप हमें बताएं आप क्या चाहते हो? के पास कोई ठोस सबूत हो, हम अगर गलत हैं तो सीबीआई से जांच की बात क्यों नहीं कर रहा है? हम तो सीबीआई की जांच करना चाहते हैं कि अगर हम में कोई बस्ती बेचने वाला आरोप लगाया दलाल लग, हम तो समाज सेवक हैं, मैं दो बार तो सरपंच रह चुका हूँ। आप क्या चाहते हो? सीबीआई सीआईडी जांच? सीबीआई सीआईडी जांच करना चाहते हैं हम तो। एक भी हमारा ये सबूत बता दे कि बाबूलाल खोखरिया अगर किसी में बच्ची बेचने में कहीं हूँ तो वो मेरे को सबूत बता दे। चलो, जाने के लिए तैयार हूँ। चलो ठीक है, आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे।